उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में भगवान गणेश जी की स्थापना दिवस एवं जन्मोत्सव पर समाजवादी पार्टी के MLC डॉक्टर दिलीप यादव अपनी टीम के साथ नगर मजिस्ट्रेट से खास मुलाकात की और कहा, हमारे देश प्रदेश में घर घर में गणेश स्थापना पूजन के पावन पर्व पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर शहर के प्रत्येक स्थानों पर गणेश उत्सव मनाया जाएगा। इस पर्व पर प्रत्येक वर्ष निर्मम स्थानों पर गणेश भगवान की मूर्ति पर पूजा अर्चना करते रहे। प्रत्येक स्थानों पर पिछले वर्ष भी हर वर्ष की भांति निर्मम स्थानों पर मनाया जा रहा है। MLC डॉक्टर दिलीप यादव ने नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जाकर गणेश स्थापना की परमिशन के बारे में चर्चा की और कहा, हमारे फिरोजाबाद में गणेश स्थापना से लेकर गणेश विसर्जन तक किसी भी प्रकार की भक्तों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी विषय को लेकर नगर मजिस्ट्रेट ने भक्तों को चेतावनी दी है कि भगवान गणेश स्थापना किसी गली के नुक्कड़ पर या घर के बाहर पूजा अर्चना कर आरती करें, जिससे आस पड़ोस में रहने वालों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसी दौरान MLC डॉक्टर दिलीप यादव ने कहा कि हमारे फिरोजाबाद में विगत वर्षों से भगवान गणेश स्थापना से लेकर गणेश विसर्जन तक किसी भी भक्तों को आज तक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और कहा, भगवान गणेश जन्मोत्सव स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाएं। वहीं MLC डॉक्टर दिलीप यादव, जगमोहन यादव, पार्षद सुबोध दिवाकर, दिवाकर सोहम यादव, सनी यादव, सुनील कुमार, अंशुल शर्मा, नीरज गुप्ता, बबलू पंडित, राहुल कुमार आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सौरभ सिंह, जिला संवाददाता, रिपोर्ट SKH न्यूज। मुलाकात की, किस संदर्भ में मुलाकात हुई आपकी? ये गणेश चतुर्थी का त्यौहार आया है हमारे पूरे फिरोजाबाद के देश और प्रदेश में। भगवान गणेश जी की लोग पूजा करते हैं, भाई से जो मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उसमें जगह जगह परमिशन लेने की आवश्यकता महसूस हो रही है, जैसा प्रशासन चाह रहे हैं और शासन देश के मुताबिक भी जरूरी है। जहाँ भी रखें गणेश जी को, घर के सामने रखें, गली के कोने पर रखें, तो वहाँ किसी अन्य व्यक्ति को, पड़ोसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपत्ति है तो परमिशन भी जरूरी है। इसीलिए परमिशन के संबंध में आए, जगह जगह से परमिशन नहीं मिल पा रही थी, पुलिस रिपोर्ट नहीं दे रही थी। अगर परमिशन का तरीका यह है कि नगर मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र दिया जाता है, नगर मजिस्ट्रेट महोदय संबंधित थाने से चौकी से रिपोर्ट मंगाते हैं, उसके बाद परमिशन मिलता है। परमिशन न मिलने के कारण से ये समस्याएँ आ रही थी। लोगों की शिकायतें थी कि हम लोग पूजा अर्चना करना चाहते हैं लेकिन हमें परमिशन नहीं मिल पा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है, अभी पुलिस अधिकारियों से मिलते हैं, जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी इनसे यहाँ से परमिशन जारी होगी। इसी संबंध में विचार विमर्श करना था, आपस में बात हो गई और मैं सबसे निवेदन करूँगा गणेश जी के इस त्यौहार पर सब लोग अच्छी धूमधाम से मनाएं और शांति से मनाएं, अनुशासन के रूप में मनाएं और धार्मिक रूप से पूरी तरह से ध्यान रखें, किसी अन्य व्यक्ति को, पड़ोसी को, राहगीर को कोई समस्या ना आए।